बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर में गुलदार गांव में घुसाया, जिससे गांव में अफरा तफरी फैल गई। मौके पर पहुंची वनकर्मी और गांव वालों की मदद से गुलदार को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। दरअसल बिजनौर के आमनगढ़ वन क्षेत्र के आसपास गांव में गुलदार की चहलकदमी से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, लेकिन अधिकारी बेखबर बने हुए हैं। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब डायल 100 और स्थानीय वनकर्मी तथा गांव वालों की मदद से गुलदार को पकड़कर जंगल में एक निजी वाहन के सहारे छोड़ा गया, लेकिन फिर भी स्थानीय रेंज अधिकारी पूरे मामले से अनजान बने रहे। जब मीडिया कर्मियों ने रेंज के अधिकारी रेजर चंद्र किरण सिंह से गुलदार के बारे में पूछा तो साहब ने मामला संज्ञान में न होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। बिजनौर के अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र में आमनगढ़ रेंज के आसपास गांव में आए दिन गुलदार के खौफ का सन्नाटा पसरा रहता है। गुलदार गांव में आकर पशुओं सहित इंसानों को अपना निवाला बनाने की फिराक में रहता है। अभी कई सप्ताह पहले आमनगढ़ रेंज के ही गांव मौजा मलोनी में किसान की पशुशाला में गुलदार ने घुसकर एक बछिया और बछड़े को अपना निवाला बनाया था, जबकि कुछ दिन पहले खेत में काम कर रहे किसान पर गुलदार ने हमला बोल दिया था, जिसे आसपास काम कर रहे किसानों ने शोर मचाकर बचाया था। आपको बता दें कि आमनगढ़ रेंज के आसपास गांव वाले अपनी जान जोखिम में डालकर खेतों पर काम करने के लिए आते हैं, जिनके लिए सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। आए दिन गुलदार के शिकार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस मामले में अधिकारी कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोलने से बचे हुए नजर आए। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर योगी सरकार में कब तक गांव वाले जंगली जानवरों के चंगुल में फंसकर यूं ही पिसते रहेंगे, या फिर गांव वालों को बचाने के लिए अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। बात कर रहा हूं मैं, थोड़े चार मारने 10 मिनट बात कर। अब इसके पैर खुल गए रियोरा जी, पैर चार खुले भाई साहब, हड्डियों कोई बात नहीं रियोरा जी, भाई साहब चार पैर खुले, चार पैर खुल गए। अब इसके अब तुम जाना, तुम्हारा काम जाना, बंद करो बंद करो। हेलो, हाँ हाँ जी, चलो चलो, अच्छा।